कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं आकाश मंडल। आप देख रहे हैं मेरे को सेल्फ फिलिक। गाइस एक हलवाई था, बहुत ही अच्छा समोसा बनाता था, बट उसकी जो दुकान थी वो मेन हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर थी और 5 रुपए का एक समोसा सेल करता था। अगल बगल के लोगों को पता था, अगल बगल के लोग जाते थे उसके यहां से समोसा लेते भी थे, बट उसका समोसे का जो मार्केट था बस उसी दुकान में सीमित था। फिर किसी ने उसको हेल्प किया और बोला कि इस दुकान को यहां से शिफ्ट करो और मेन हाईवे पर लेके चलो, यहां से मेन हाईवे पर मार्केट के पास लेके चलो। और जैसे उस दुकान को उसने रन करना स्टार्ट किया हाईवे पे, लोगों की भीड़ लग गई और उसका जो प्राइस हो गया उसके समोसे का वो 20 रुपए हो गया। 5 रुपए का समोसा बेचता था, 20 रुपए का समोसा सेल होने लगा, प्लस भीड़ लगने लगी क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी भी था। आपको कुछ समझ में आया कहानी मैंने क्यों सुनाया? तो ये कहानी है कुछ हम लोगों जैसे। हम लोगों को आता है, किसी को ऑटोकैड आता है, किसी को स्टेट्रो आता है, किसी को ईटैब आ रहा है, किसी को रेबिट आ रहा है, किसी को अलग अलग सॉफ्टवेयर आ ही रहे हैं, ये तो पक्का है। आज के टाइम में सब अवेयर हो चुके हैं कि भाई टेक्निकल स्किल्स के बिना हम बेकार हैं, ये सबको क्लियर हो चुका है। सब ने सीखा है या फिर सीखने का प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सीखा हुआ है तो अब आप देख रहे होंगे मार्केट में उसका सही प्राइस कैसे मिलेगा। आप बोलोगे ये क्या सर, समोसा थोड़ी है? है समोसा ही। आपने देखा होगा कोई एक बंदा है जो कि सेम नॉलेज का है और वो पैकेज ले रहा है 40,000 का, और एक सेम वही टैलेंट के सेम लड़का एक और है, उसी क्लास का लड़का है, उसी का दोस्त है, उसकी सैलरी है 10,000 रुपए। वो 10 ले रहा है, वो 40 ले रहा है, अंतर क्या है? तो ये अंतर वही है, संतोष हलवाई के पास टैलेंट तो था बट उसको पता ही नहीं था कि कहां पर सेल करना है। सेम हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है गाइस कि हम लोगों के पास प्रोफेशनल स्किल्स तो है, अगर है तो कैसे पहुंचाना है इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूंगा, डीप में डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा हाँ यार इस तरीके से करके अच्छा पैकेज हम ले सकते हैं और यह हमें हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, सॉफ्टवेयर स्किल्स विद कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो यूनिक्स विल एप्लीकेशन पे जाइए, हैप्पी होली कोड यूज करिए, 50% ऑफ 10 डेज का मेगा सेल हमने लगा दिया है हैप्पी होली का, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है, आप सबको पता है होली बताता है कि भाई रंगों में भेद नहीं होता है, किसी भी रंग से कोई भी खेलता है, मस्त रहता है। तो उसी के हिसाब से अगर आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रांग करनी है, बहुत ही कम फी में, मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते उतने कम फी में लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको वहां पे कोर्सेस मिल जाएंगे। मन करे तो वहां से लीजिए, न मन करे, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोग विजिट जरूर करिएगा, ये हमारे तरफ से आपको कहना है। ओके, तो अब गाइस हम लोग, सपोज आपको आता है बहुत अच्छा रैबिट आता है, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अनूप को। अनूप मेरे पास आया या फिर कहीं से भी सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? रैबिट सीख रहे हैं। ओके, रैबिट में अनूप ने कुछ बनाया, ठीक है, और वो अगर उसको बनाए बहुत अच्छे सरेंडर किए, बहुत सी गलतियां होती है उसमें, राइट। अगर उनके पास कोई मेंटोर होगा तो उनको गाइड कर देगा। बट इससे भी अच्छा तरीका आपको बताता हूं ना गाइस, आप सबका सोशल प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। सोशल प्रेजेंस मतलब क्या? जो फेसबुक पर आईडी बनी हुई, जो इंस्टाग्राम पर आईडी बनी हुई है, वो किसी काम की नहीं है, वो तो टाइम वेस्ट करवाती है तुम्हारी। फिर कौन सा सोशल प्रेजेंस की बात कर रहे हो? ठीक है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये तो चलो ठीक है, जानने के लिए समझने के लिए 10-5 मिनट चला लिया, ओके है, बट एक्चुअल सोशल प्रेजेंस कौन सा काम देगा? तो काम देगा लिंक्डइन। अब लोग से लिंक्डइन क्यों काम देगा? क्योंकि लिंक्डइन पर है सारे प्रोफेशनल लोग, बिलियंस में लोग आ चुके हैं लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल लोग हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जैसे अभी हम लोग भी लिंक्डइन चलाते हैं, ठीक है, आप बोलोगे सर मेरा भी आईडी है लिंक्डइन पे, उससे क्या होता है? यही तो प्रॉब्लम है, आपकी आईडी है, आप चलाते नहीं हो लिंक्डइन को, चलाओगे तो उसके बहुत बेनिफिट है। आप बोलोगे सर कैसे? तो चलिए बताते हैं। अभी अनूप आए मेरे पास, उन्होंने कुछ मॉडल सीखा, 3D बनाया, और 3D बना के अगर अनूप अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर दे और ऊपर एक छोटा सा कोट लिख दे कि प्लीज सजेस्ट इफ एनी करेक्शन, ठीक है, वहां सारे प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपको देख भी रहे हैं, और साथ ही साथ अगर किसी को लगता है कि यार इसको ये करेक्ट करवा देना चाहिए तो कमेंट कर दिया। फिर आपने दूसरा मॉडल पोस्ट किया, फिर देखा, फिर लिखा आपने, फिर लोगों ने, किसी ने वेरी गुड बोला, किसी ने बोला एक्सीलेंट, किसी ने बोला कुछ। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, आप अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हो। देखो गाइस कम्युनिटी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आप जैसे मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है, ऐसे ही आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ, ढेर सारे सिविल के कंपनियों के एचआर के साथ कनेक्शन बना के रखना चाहिए। कैसे बनाओगे? फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन पर आप प्रोफाइल किए हो, अब देखो कि कौन कौन किसको किसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करो, और कनेक्ट करने के बाद उनसे हो सके तो चैट करो, अगर वो रिप्लाई देते हैं, अगर वो फ्री है तो रिप्लाई कर देंगे आपको। साथ ही साथ डेली वहां पर पोस्ट डालना स्टार्ट करो,
तो आप में से कई ढेर सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने एक वीडियो में बताया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इधर उधर के पोस्ट नहीं करना चाहिए, आज आप खुद ही बोल रहे हो कि लिंक्डइन पर पोस्ट करना चाहिए। यस, लिंक्डइन पर पोस्ट करनी चाहिए, बट गर्लफ्रेंड के साथ अपनी फोटो नहीं, अपना जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका करेक्शन मांगने के लिए, वहां पर जो टैलेंटेड लोग हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं इसके लिए। तो दैट इज द प्रोफेशनलिज्म, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन जो बड़े बड़े एमडीज हैं वो आपको देख रहे हैं, एक दिन देखा, इग्नोर कर दिया, दूसरे दिन देखा, यार ये बंदा जो है हमेशा ही कुछ अच्छा ना अच्छा बना के देता है। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है, उसने एक छोटा सा मॉडल पोस्ट किया, फिर बड़ा मॉडल, फिर उससे बड़ा मॉडल, फिर उसका एक दिन रिपोर्ट शेयर कर दिया, लोगों को बोला कि कमेंट करके आप बताइए। अब उसके कम्युनिटी के लोग उसको देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मुझे लगा यार हाँ यार ये राजीव ना बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत डेली रेंडर करके दे रहा है, इसको कॉन्टेक्ट करते हैं क्या। मैंने चैट किया, मैंने बोला आर यू फ्री, तुमने बोला यस, मैंने बोला सेंड मी योर रिज्यूमे, ठीक है, तुमने रिज्यूम सेंड किया, हमने तुमको भेज दिया कि चलो ठीक है इसका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं और इसका इंटरव्यू लेते हैं। ये क्या हुआ, प्रोफेशनलिज्म। आप उसी कम्युनिटी के अंदर थे जहां पर ढेर सारे लोग थे आपके काम वाले, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसी का जस्ट उल्टा है, आपके काम वाला कोई नहीं है, सब बेकाम वाले हैं। तो आप अपना सोशल प्रेजेंस बनाना स्टार्ट करिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना टाइम पॉसिबल हो सकता है, जो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को देने वाले थे वो आप लिंक्डइन को दीजिए। लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल अच्छे तरीके से बनाइए, प्रोफाइल अच्छे तरीके से इन द सेंस उसमें अपना कॉलेज का नाम मेंशन करिए, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो मेंशन करिए, और डेली बेसिस पे दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी आपको लगे कि यार ये मैंने प्रैक्टिस किया है, ये मैं इसको पोस्ट करता हूं, देखता हूं लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि क्या मिलते हैं, ठीक है, मतलब समझ गए होगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती है, ठीक है, लिंक्डइन पे ये चीज़ें कम होती है। तो आपको पता चलेगा कि हम कितना स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, और साथ ही साथ एचआर होंगी वहाँ पे, वो आपसे कनेक्ट होने लगेंगे, बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स होंगे, आप खुद से कनेक्ट करो उनसे, क्योंकि डेफिनेटली आप जूनियर हो तो आपको कनेक्ट करना चाहिए। अभी मैंने भी क्या बोलते हैं, मेरा खुद का प्रोफाइल तो था ही, बट अभी मैंने यूनिक सिविल का पेज बना दिया। क्यों यूनिक सिविल का पेज बना दिया, क्योंकि जिससे कि अगर आप लोग मेरे से जुड़ रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आप लोग जुड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर जुड़े हो तो वहाँ भी जुड़ोगे, तो जुड़ रहे हो तो आपने कुछ शेयर किया कि सर ये शेयर करिए अपने पेज पे भी, या फिर आपने शेयर किया, मैंने उसको शेयर पे क्लिक करके मैंने भी उसको शेयर कर दिया, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे का ग्रोथ हो रहा है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे सर क्या मैं पेज बना लूँ क्या लिंक्डइन पे, नहीं, ठीक है, अगर आप जॉब सर्चिंग के लिए वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पेज मत बनाना। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप प्रोजेक्ट्स लेते हो, पूरी तरीके से आपको पता चल चुका है कि मुझे जॉब में नहीं जाना है, आप पेज बना लेना। क्यों, क्योंकि डेफिनेटली जब आप पेज बनाते हो तो वहाँ पे मोनेटाइज करने की कोशिश करते हो कि भाई कॉन्टेक्ट मी फॉर 3D डिज़ाइन, कॉन्टेक्ट मी फॉर स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तो कंपनीज के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है कि भाई ये बंदा जो है अगर मेरी कंपनी में आ भी गया तो ये फ्रीलांसिंग वर्क करता रहेगा और इसका आधा दिमाग उधर रहेगा, आधा यहाँ रहेगा। बट जो एंटरप्रेन्योर है डेफिनेटली दे कैन डू दैट, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो याद रखिए, आज ही अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिवेटेड नहीं है, आपने केवल आईडी बना के छोड़ दिया है, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए लिंक्डइन का, लिंक्डइन को स्पॉन्सर करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि 3.8 बिलियन के ऊपर लोग उस पर आ चुके हैं और सारे प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। तो मैं खुद भी जितने भी आप लोगों के लिए वीडियोस तैयार करता हूँ उनको वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, तो लोगों से बड़ी अच्छी रीचिंग मिलती है, इतना ढेर सारे मैसेज आते हैं, मैं तो रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज रहता है। तो मतलब कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती है, कई ढेर सारे स्ट्रक्चर इंजीनियर, कई ढेर सारे एचआर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो सोशल प्रेजेंस नहीं बनाओगे तो उसी संतोष की तरह हाल होगा कि बहुत अच्छा समोसा आप बनाते हो, बहुत अच्छे डिज़ाइन करते हो, मुझे नहीं पता तो किस काम का, कंपनी के ऑनर को नहीं पता तो किस काम का। तो आज ही सोशल प्रेजेंस बनाना स्टार्ट करिए, कुछ नहीं करना यार, जो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोटो खींचा डाल दिया लिंक्डइन पे, इफ एनी करेक्शन कमेंट कर दिया नीचे, जो भी लोग कमेंट करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कितना सेकंड लगा, सेकंड लगता है, मिनट नहीं लगता है। सो आज से ही आप सोशल प्रेजेंस बनाना स्टार्ट करिए गाइस, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कब, जब आप एक महीने तक इसको कंटिन्यू करेंगे, दूसरे तीसरे एक एक पोस्ट करते रहेंगे, एक महीने बाद देखेंगे आपके कनेक्शंस बढ़ जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, प्लस लोग भी आपको रिक्वेस्ट करने लगेंगे यार ये बंदा अच्छा है, ये 3D डिजाइन बनाता है अच्छा, इसको कनेक्ट करके रखता हूँ, कभी जरूरत पड़ी तो इसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता चला जाता है। मेरे को, मुझे लगता है मेरा कनेक्शन 7,000 समथिंग 8,000 के आसपास है। तो कैसे हुआ, डेली जब हम लोग को पोस्ट जा रहा था तो उसे लोगों को लगा कि हाँ यार इस बंदे के पास हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है, तो कांटेक्ट करते चले गए और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो कुल मिला के इस वीडियो का निचोड़ ये है कि आज से लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट करिए, जो भी काम करिए लिंक्डइन पर पोस्ट करिए और लोगों से राय लीजिए कि भाई कैसा है,
आपको बेहतरीन मिलेगा। एचआर आपसे कांटेक्ट करेंगे, एमडीज कांटेक्ट करेंगे, ढेर सारे सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर, क्योंकि उनको रेफरल अमाउंट मिलता है ना। कभी किसी कंपनी ने किसी मतलब मैं सीनियर होकर हूँ तो मैंने किसी जूनियर को हायर करवा दिया कंपनी में, तो मुझे रेफरल अमाउंट मिलता है, वो भी 5 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं और फ्री के हैं वो। तो लोग करते हैं ठीक है यार, बोल देता हूँ उसको, ये अप्लाई कर देगा, मुझे रेफरल अमाउंट मिल जाएगा। तो इसलिए आपका बहुत हेल्प होगा, आज से ही कर लीजिए। मन करे तो आप मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पर, काफ़ी लोग ऑलरेडी हैं, बट आपका मन करे तो आप भी आइए, जुड़ते हैं और जो भी आप वहां पर राय दोगे, आपके कमेंट्स वगैरह जो भी आएंगे उसके हिसाब से और आगे किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। बट डोंट फॉरगेट टू एक्सेस लिंक्डइन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, डेली यूज करो लिंक्डइन, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जरूर यूज करो। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को देते थे ना, गर्लफ्रेंड को बोलो इधर आ जाओ, इधर ही चैट कर लेंगे, इधर अपना काम भी होता रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।